नमस्कार, मेरा नाम साकेत है और आप मेरे YouTube चैनल हिट मी 05 को देख रहे हो। आज हम लोग बात करेंगे कि राष्ट्रीय लोक अदालत में ज़्यादातर लोग कुछ गलतियां करते हैं और गलतियों के कारण ही बैंक को मौका मिलता है और बैंक आपके खिलाफ आरसी तक कटवा सकता है और उसके बाद बैंक आप पे कानूनी प्रक्रिया द्वारा 400BC का केस भी कर सकता है और आपको जेल तक पहुँचा सकता है। तो अगर आप हिट मी 05 के सब्सक्राइबर हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि आप तक कुछ जानकारी साझा करें जिससे आने वाले भविष्य में अगर आपके साथ भी ये परेशानी होने जा रही है तो आपको इसकी जानकारी पहले से हो। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत समझौता का एक ऐसा केंद्र बन चुका है जहाँ पर लोन कॉम्प्रोमाइज के लिए जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं दिया है, अपने लोन को सेटल करवाना चाहते हैं। कुछ सिक्योर और कुछ अनसिक्योर लोन, राष्ट्रीय लोक अदालत में इसकी सुनवाई होती है। राष्ट्रीय लोक अदालत में जाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको यहाँ पे कोई भी वकील नहीं करना पड़ता और राष्ट्रीय लोक अदालत में किसी भी तरह का कोई भी फीस जमा नहीं करना पड़ता। यहाँ पर आपकी सुनवाई जज द्वारा ही की जाती है पर किसी भी वकील की ज़रूरत नहीं होती और यहाँ पर कोई भी सजा का प्रावधान नहीं है। यहाँ पर दो पक्ष आपस में अपनी बातों को लेकर आते हैं और एक बिंदु पे समझौता होता है। अगर आपका समझौता उस बिंदु पे नहीं हुआ तो आपको भविष्य में दोबारा राष्ट्रीय लोक अदालत में बुलाया जाता है। पर कई बार कस्टमर कुछ गलतियां करते हैं जिसके कारण उसको भविष्य में समस्याएं होती है। देखिए, अगर आप राष्ट्रीय लोक अदालत जाते हैं तो मैंने अक्सर बताया है कि कभी भी जितने भी बैंक NBFC कंपनी के कैंप लगे रहते हैं उनसे दूर रहिएगा। आपको किसी भी बैंक और NBFC कंपनी के कैंप के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी बैंक या NBFC कंपनी वाला आपको आके बोले कि आप हमसे बात कर लीजिए, आप इसका समझौता कर लीजिए, हम लोग आपस में ही सलाह कर लेते हैं और हम आपको अच्छे अमाउंट पे सेटलमेंट प्रोवाइड करेंगे, तो उस एवज में वो क्या करेंगे, खाली दस्तावेज पर आपकी दस्तखत कर लेंगे। और दस्तखत करने का मतलब क्या होता है कि आपने उस दस्तावेज में जो भी लिखा है उसको स्वयं पढ़ा है, समझा है और अपने बुद्धि विवेक से दस्तखत किया है और बाद में बैंक उसमें कुछ भी अनाप शनाप, कुछ भी अमाउंट और कुछ भी सेटलमेंट अमाउंट को लेकर लोक अदालत में प्रस्तुत कर देगा और उसके बाद आपके सारे लीगल राइट्स ख़त्म। अब उसके बाद आप किसी भी सर्वाधिक उच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी अपील नहीं कर सकते। जो उस पेपर में लिख दिया गया वो अंतिम। अब उसके बाद बैंक आपसे 1 करोड़ मांगे, 10 लाख मांगे, 50 लाख मांगे, आपको देना है। अब उस चीज के अवज में बैंक आप पे 400BC का केस करे, आपको जेल तक पहुंचा सकता है। तो आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले राष्ट्रीय लोक अदालत का आपके पास अगर नोटिस आता है तो पैसे हैं तो जाएं, पैसे नहीं हैं तो परेशान होने की कोई बात नहीं, आप पे कोई भी लीगल कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर आप वहाँ पे उपस्थित होते हैं तो आपको सिर्फ जज साहब के सामने बोलना है, कोई भी अगर कुछ भी पूछे उसका कोई जवाब नहीं देना है। अगर आप उस पार्टी के विचार से, उस पार्टी के अमाउंट से सहमत हैं, आप उतना पेमेंट कर सकते हैं, तब हाँ बोले, ना तो चुपचाप ना बोल के घर चले आए। अगर आपको कोई बता रहा है कि भविष्य में कोई भी लीगल कार्रवाई होगी, अगर आप पार्टी या बैंक या किसी की बात नहीं मानते तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट पे बिना पढ़े बिना समझे अगर लोक अदालत के अगेंस्ट में जाके बैंक के कैंप में साइन करते तो आप अपनी समस्याओं को खुद बुलाते हो। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि अगर समझौता हो जाता है किसी भी लमसम अमाउंट पे तो बैंक कभी भी उसको आगे चैलेंज नहीं कर सकता। तो इस छोटी छोटी बातों का ध्यान दें और लोक अदालत को जब भी लगना है, क्योंकि लोक अदालत का एक और तारीख सामने निकल के आ रहा है 21 मई, आपके पास किस चीज़ का मैसेज आया प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, जरूर अपनी जानकारी साझा कीजिएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।